हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है तो रिएक्शन उसके डिफरेंट हो सकता है। देखो, पहले रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। आर सी ओ एच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्म, आर सी डबल बॉन्ड ओ, देन ओ सिंगल बॉन्ड एच। तो रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड मतलब ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, एक हो सकता है। देन रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसका ब्रेकिंग के वजह से जो रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग होल COOH2, रिएक्शन इन्वॉल्विंग होल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। देन रिएक्शन ड्यू टू एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। एक होता है क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप, एक होता है क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड O ग्रुप, एक होता है रिएक्शन ड्यू टू होल COOH ग्रुप, एक होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H ग्रुप, ठीक है। पहले देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन विथ मेटल, एसिडिटी, पहले देखते हैं एसिडिटी, देन रिएक्शन विथ मेटल, देन हमारा रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, देन हमारा रिएक्शन विथ अल्कालीज। ये फोर रिएक्शन होता है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। पहले रिएक्शन विथ मेटल, कार्बोसिलिक एसिड को जब यहाँ ब्रेक किया जाएगा तो क्या होगा, कार्बोजिलेट आयन एंड H2, ठीक है, रिएजेंट यूज एक्टिव मेटल। तो जब कार्बोसिलिक एसिड एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करेगा, हाइड्रोजन लिबरेट होगा एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोसिलिक एसिड फॉर्म होगा, CH3CO-Na, ठीक है। रिएक्शन विथ अल्कालीज, ये क्या देगा, एसिड के साथ हमारा क्या, सॉरी मेटल के साथ हमारा हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा था, ठीक है, ये क्या देगा, कार्बोजिलेट आयन फॉर्म होगा एंड निकलेगा क्या, H2O। रिएजेंट क्या, अल्कालीज NaOH KOH यूज हो सकता है, CH3COH NaOH, तो क्या होगा, CH3COH2O, KOH CH3COH2O, तो सॉल्ट ऑफ कार्बोसिलिक एसिड एंड H2O निकल रहा है। जब एक्टिव मेटल शिफ्ट दे रहे थे, सॉल्ट ऑफ कार्बोसिलिक एसिड एंड H2O हमारा लिबरेट हो रहा था, ठीक है, जी देख लो। नेक्स्ट रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट, कार्बोसिलिक एसिड ऑल्सो रिएक्ट विथ वीकर बेस सच एज बाइकार्बोनेट एंड रिलीज विथ CO2। देखो, बाइकार्बोनेट के वीकर बेस होता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट है वीकर बेस होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जनरली रिएक्ट करता है, ठीक है। कार्बोसिलिक एसिड ऑल्सो रिएक्ट विथ वीकर बेस सच एज बाइकार्बोनेट रिलीज CO2। दिस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट अ कार्बोसिलिक ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कार्बोसिलिक ग्रुप का डिटेक्शन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये रिएक्शन यूज होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बाइकार्बोनेट टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट कार्बोसिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट कैन रिएक्ट विथ वीक बेस लाइक बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखो रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट, ये क्या देगा, कार्बोजिलेट आयन CO2 लिबरेट होगा एंड H2O भी निकलेगा, रिएजेंट क्या, बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्काली। बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaCO3, ये बाइकार्बोनेट ऑफ अल्काली रिएक्ट करेगा, क्या देगा, CH3COOH, निकलेगा क्या, CO2 एंड H2O, ठीक है, CO2 गैस बन के निकल जाएगा, ठीक है, देख लो एक बार, CH3COOH, NaCO3, CH3COO-, NaH2CO2। अब देखते हैं इस कार्बन को, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ये स्टार मार्क करके देगा, इस कार्बन इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, ये जो बाइकार्बोनेट का जो कार्बन है ये याद रखना है, वो CO2 में जा रहा है, ठीक है, इधर नहीं आ रहा है, इसके पास नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा CO2 में जा रहा है, ये क्वेश्चन आने का बहुत बहुत चांसेस है, दे देगा। आपको पता है भाई, जब ये हमारा कार्बोसिलिक एसिड जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या देगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोसिलिक एसिड, वाटर एंड CO2, ये तो आपको पता है, लेकिन वो क्या दे देगा, कभी इधर स्टार मार्क करके दे देगा, ये स्टार वाला कार्बन कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है या यहाँ जा रहा है, ये याद रखना, जो बाइकार्बोनेट का कार्बन होता है वो CO2 में जा रहा है, ठीक है, और कार्बोसिलिक के कार्बन एज इट इज कार्बोसिलिक में रह रहा है, कभी कभी यहाँ स्टार मार्क करके दे देगा, ऑप्शन में दे देगा, एक ऑप्शन ऐसे दे देगा, एक ऑप्शन ऐसे दे देगा, ठीक है, कहाँ जा रहा है, जो कार्बोसिलिक एसिड का कार्बन है वो कार्बोसिलिक सॉल्ट में ही रह रहा है, वो कोई नहीं जा रहा है, कार्बोसिलिक सॉल्ट में ही है, लेकिन जो बाइकार्बोनेट का कार्बन है वो CO2 में जा रहा है, तो ये याद रखना, बाइकार्बोनेट का कार्बन CO2 में जा रहा है, ठीक है। जनरली कंपाउंड्स दैट आर मोर एसिडिक देन फिनॉल गिव्स बाइकार्बोनेट,
टेस्ट, ठीक है, फिनॉल नहीं देते हैं बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये मैंने अल्कोहल फिनॉल इथर में डिस्कशन किया था। जनरली कंपाउंड्स जो मोर एसिडिक होता है फिनॉल गिव्स बाइकार्बोनेट टेस्ट, और कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव ए पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, C3COH, HCOH एंड ये हमारा बेंजोइक एसिड NaOH, ये नहीं देगा। अल्कोहल एक वीकर एसिड होता है, अल्कोहल नहीं देगा, ठीक है। बाकी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये देगा एंड ये देगा, ठीक है। अल्कोहल डज नॉट गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, फिनॉल भी नहीं देता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये है फिनॉल हो गया, ये नहीं देगा। ये सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये देखो टू फॉर डाइनाइट्रोफिनॉल, टू फॉर डाइनाइट्रोफिनॉल गिव्स, टू फॉर डाइनाइट्रोफिनॉल गिव्स बाइकार्बोनेट टेस्ट। सर आपने बताया फिनॉल नहीं देगा, अरे फिनॉल ले देगा, लेकिन NO2 क्या है, माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इंक्रीजेस एसिडिटी, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई ग्रुप इंक्रीज करता है, इसलिए टू फॉर टू माइनस आई ग्रुप है और टू NO2 ग्रुप है। NO2 का माइनस आई पावर तो बहुत ही ज्यादा होता है और टू NO2 ग्रुप है, ठीक है, ऊपर से, तो इसका एसिडिटी ज्यादा होगा, तो इसीलिए ये देगा, लेकिन सिर्फ फिनॉल नहीं देगा, ठीक है, फिनॉल नहीं देगा, सल्फोनिक एसिड देगा, 2,4-dinitro और 2,4-6-trinitrophenol, ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ठीक है। द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, इसका मीनिंग यही है, कौन सा कंपाउंड बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, और ऐसे पूछ सकता है द कंपाउंड डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। दोनों का मतलब सेम है, बेंजोइक एसिड तो देगा, हाँ जी सर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी देगा, सैलिसिलिक एसिड भी देगा। सैलिसिलिक एसिड क्या था, उसमें COOH ग्रुप होता है ना, हाँ जी सर। कार्बोलिक एसिड नहीं देगा, कार्बोलिक एसिड नहीं देगा, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, नहीं तो ये नहीं देगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड विथ NaNaOH एंड NaHCO3, मतलब रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड विथ मेटल विथ अल्कालीज एंड विथ बाइकार्बोनेट, विथ बाइकार्बोनेट क्या देता है, जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है सॉल्ट ऑफ देता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट करता है हाइड्रोजन, ठीक है, जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जब ये अल्कालीज के साथ रिएक्शन करता है तब ये क्या देता है, H2O, ये फिक्स है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फिक्स है, देन क्या देगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं या कार्बोक्सिलेट आयन बोल सकते हैं, ये फिक्स है। लेकिन जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, जब अल्कालीज के साथ रिएक्शन करेगा H2O लिबरेट, H2O निकालेगा, ठीक है, जब NaCO3 के साथ मतलब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तब CO2 एंड H2O देगा, ठीक है, ये याद रखना भाई, मेटल के साथ एक्टिव मेटल के साथ H2O निकालेगा, NaOH के साथ मतलब अल्कालीज के साथ H2O, ठीक है भाई, एंड हमारा कार्बोनेट के साथ सॉरी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन जब करेगा CO2 एंड H2O, बाकी तो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन ये फिक्स है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।